अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आप वालेकुम खैरियत सलाम। से होंगे। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है हमारा, एक दो टॉपिक्स इसके रह गए हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 7 के, कंपैरिजन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड। इट इज़ ऑन पेज नंबर 71। ठीक, पेज नंबर 71 पे है ये टॉपिक, तो हम इसको वन बाय वन जो है इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो इसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको पता है कि 9th क्लास का भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका लोला सुनेंगे नहीं? हाँ जी, सुनना है। रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? जी, हैव यू रिवाइज? यस यस मिस। हाँ जी, हाउ कैन यू डिफाइन एन आइसोटोप? आइसोटोप को कैसे डिफाइन करते हैं? किसे पूछ रहे हैं? आप ही बता दें। मैं बता दूं? हाँ जी। एटम द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैप्स नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप: they have same number of protons but they have different number of neutrons. They have same chemical properties but they have different physical properties. All isotopes of an element occupy same position in the periodic table. ठीक है, अच्छा जी, अब कोई और बच्चा बता दे, मैंने इसकी इसकी examples बता दें। जी बेटे, examples इसकी अब्दुल अहद। हाँ जी अब्दुल अहद। ना तू पहले यूट्यूब वगैरह देख लो। कहीं जा वहां से नहीं होता, वहां से नहीं हो रहा। मैंने 5 दफा ट्राई किया, मेरा वहां से नहीं होता। अब्दुल रहमान अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ जी, कोई और बच्चा? अदन, बेटे अदन, अब्दुल अहद पढ़ा नहीं था आपने? जी बेटे। मिस मैं बता दूं? कौन मैं? अच्छा बेटे, क्या ये नाम मुझे नहीं पता, ये कौन है? ये गॉडज़िला। टीचर मैं हादी हूँ, ये मेरा नाम नहीं चेंज होता। क्या है, क्या नाम है आपका? हादी। हादी, अच्छा। हाँ जी हादी, आप बताओ। आपको पार्टिसिपेंट्स खोल के ना अपने नेम पे क्लिक करो, वहाँ पे आएगा रीनेम, वहाँ से रीनेम कर लो। रीनेम हो जाता है लेकिन अगली मीटिंग में दोबारा ये आ जाता है। वो डन करो अगर फिर नहीं आएगा। अच्छा चलिए बेटे, कोई बात नहीं, बहस ना करें। हादी बताएं एग्जांपल्स कौन-कौन सी हैं इसकी? आइसोटोप्स है, isotopes of hydrogen, isotopes of carbon, isotopes of chlorine, isotopes of uranium. Or isotopes of hydrogen, there are three types of, there are three isotopes of hydrogen. There are three isotopes of carbon, there are three isotopes of chlorine. There are two isotopes of chlorine and there are three types of uranium. हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, इसके एप्लीकेशंस कौन बताएगा? जी, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स? इसमें आता हूँ जी, बताइए। फॉस्फोरस 32 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद इन द बॉडी। हाँ जी। आयोडीन, आयोडीन 131 इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, हाँ जी। गोइटर मैंने बताया था ना, गोइटर कौन सी डिजीज होती है। हाँ जी। यूरेनियम 235 इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। और ये कार्बन था? हाँ जी, कार्बन 14। कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर एज डिटरमिनेशन Determination of fossil. Yes.
ठीक है बेटे। बेटे सुनने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को जो पिछला टॉपिक है वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसका मकसद ये नहीं होता कि आप जो हैं वो गलत बता देंगे तो आपकी कोई इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है, ये ना सोचा करें, ठीक है। सिर्फ कोशिश किया करें कि आप क्लास में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा जो है वो सोचेंगे कि हम एक दफ़ा पढ़ लेते, ठीक है, तो हमसे मिस्टेक ना होती, ठीक। लेकिन मेरे नज़दीक जो है जो बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ तो पढ़ता है ना। यानी मिक्सर्स जो हैं इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता और किसी भी कंपोनेंट की, ठीक है, कंपोनेंट्स कौन से हैं उसमें, वाटर और सॉल्ट है। इनकी इनके ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इसकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स जो हैं दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास, ठीक है, जिसमें मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी, जिसमें इसकी कॉम्पोजिशन किस तरह की मैंने बताई थी, 1:8, ठीक है, इट इज़ फिक्स कॉम्पोजिशन बाय मास, ठीक है। और मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था कि, और वाटर जो है इसमें दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, तो 2 का कितना होगा, 2 होगा। ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 पर तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1:8, ठीक है, दिस इज फिक्स कॉम्पोजिशन बाय मास। अच्छा जी, नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है सेपरेशन और ब्रेकडाउन। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। आप किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है, सॉल्ट अगर वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है आपने तो क्या करते हैं, उसको सॉल्ट को जब इवेपोरेट किया जाता है, ठीक है, सॉल्ट इवेपोरेट हो जा सॉरी सॉल्ट को जब हीट किया जाता है तो वाटर उसमें से इवेपोरेट हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि सॉल्ट जो हैं वो किसी भी डिश में जिसमें आपने पानी को इवेपोरेट किया है तो उसमें जो है वो सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाता है, ठीक है। यानी ये क्या है, सिंपल फिजिकल मेथड है जिससे जो है आप सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स,
अब आपको पता है कि कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं, एलिमेंट्स से, ठीक है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं पी और एम लिख रही हूँ इसके लिए, क्योंकि आगे इतनी स्पेस नहीं है, ठीक। फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक। अगर आप वाटर को फिल्टर करें, ठीक है, फिल्ट्रेशन जो है वो सिंपल मेथड है, तो फिजिकल मेथड है। अगर इसमें इसको वाटर को जो है वो फिल्टर करें, तो क्या होता है कि वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें सेपरेट तो नहीं हो जाएंगी, ठीक है, जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आपको पता है कि आपने भी फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं अपने घरों में लगाए होते हैं, ठीक है। अगर पानी को उसमें से फिल्टर करें, तो पानी के जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस में तो नहीं ना चेंज हो जाता, ठीक है। इसलिए कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जो हैं इन्हें सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, केमिकल भी और फिजिकल भी। मिक्सचर्स हैज सेम प्रॉपर्टीज एज इट्स कॉम्पोनेंट्स, हैज सेम प्रॉपर्टीज एज इट्स कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी, सेम होंगी, केमिकल भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। किस तरह से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, कि आप जो है जब सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं, तो उसमें आपको पानी का भी टेस्ट आ रहा होता है, नमक का भी टेस्ट आ रहा होता है। ऐसे तो नहीं ना होता कि वो दोनों चीज़ों को मिलाएं तो कोई वो लेमन या कुछ लेमन का जो मिक्स वो होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, वो बन जाए या कोई और चीज़ ऐसी बन जाए, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, ठीक है। अब मिक्सचर में जैसे टी है, चाय है, ठीक है, तो उसमें आपको पत्ती का भी टेस्ट आ रहा होता है, इसके अलावा दूध का भी टेस्ट आ रहा होता है। ये तो नहीं होता ना कि केमिकली कोई और चीज़, यानी तमाम चीज़ों को मिक्स करें तो पुडिंग बन जाए, नहीं बनती ना इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिक्सचर्स हैज सेम प्रॉपर्टीज एज इट्स कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी जो चीज़ उसमें डिजॉल्व की गई है या जो चीज़ ऐड की गई है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं जो उसके कॉम्पोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। बेटे मुझे ना माइक को म्यूट करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग एक काम किया करें कि आपके बैकग्राउंड से ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, थीके? तो खुद से म्यूट कर लिया करें, ताकि जब आपने क्वेश्चन करना हो ना, ठीक है, यानी किया तो कोशिश किया करें कि लेक्चर के एंड में ही क्वेश्चन को ही करें, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप जब आप बार बार बोलते हैं ना, तो यहाँ पर जो वो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि माइक्स जो है वो म्यूट किए जाए, ठीक है बच्चों। तो अपने माइक्स जो है आपने खुद से म्यूट कर लिया। शोर आ रहा भी जैसे है, सब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि मिक्सचर जो हैं सेम प्रॉपर्टीज एज इट्स कॉम्पोनेंट्स, लेकिन कंपाउंड्स में प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इट्स एलिमेंट्स, देन इट्स एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जब कंबाइन करती हैं तो क्या बनाती हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाती हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज जो हैं वाटर मॉलिक्यूल से टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है। यानी कंपाउंड्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो जो जिससे जिन एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। फोर्थ वन इज़
एनर्जी चेंज. नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड. नो केमिकल चेंज, ठीक है, इसका मतलब है कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंपली मिक्स हो रहे हैं. लेकिन कंपाउंड्स जो हैं इसमें केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो है वो मिक्सचर की एनर्जी जो है वो चेंज होती है. ठीक है, मिक्सचर्स हैव वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब मिक्सचर्स के क्या होते हैं, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट्स भी होती हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो हैं वो वेरिएबल होते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब कंपाउंड्स जो हैं इनके फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, मैंने बताया, मैंने कहा है तो ये हादी है बच्चा, अभी मैंने उससे पूछा है नाम, हादी है. हाँ जी बेटे, आपके जो है वो इंचार्ज भी यही कह रहे हैं कि जो आप के नाम है ना वो प्रॉपर नाम जो है इसमें एंटर किया करें. ठीक है, अभी तो मैंने गॉडज़िला जो है वो नाम बता दिया हुआ है आपके इंचार्ज को. ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि अपना जो ये प्रोफाइल नेम है ये चेंज कर लें. ठीक है, अपने ही नाम से एंटर हुआ करें क्लास में. ओके बेटे, अच्छा जी, कंपाउंड्स जो हैं इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो फिक्स होता है. जैसे आइस है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वाटर. ठीक है, फिजिकल स्टेट जो है इसकी क्या है, आइस है, तो इसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है, इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसी तरह से अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक, तो ये क्या है, इनका इन कंपाउंड्स को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो इजीली इसको जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, अच्छा जी, इसका एक टॉपिक और रह गया था. टॉपिक क्या रह गया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताना है कि किस तरह से जो है वो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, यहाँ से अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास, वो डिस्कस करना है आपसे मैंने कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट किस तरह से करते हैं. आगे, हाँ जी, मैंने उसे भी कहा था. जी, मॉलिक्यूलर मास जो है बेटे ये सिंपल मेथड है जिसमें आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एक जो है मैं आपको बता देती हूँ इसमें मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम नेक्स्ट जो है वो फिज़िक्स का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है वो, लेकिन बेटे क्लास नहीं आपने मिस करनी. ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो. जितने भी बच्चे इस वक्त प्रेजेंट हैं वो कोशिश करें कि कल वाली क्लास में जो है वो कल वाली क्लास को मिस ना करें. ठीक है, अच्छा जी, मॉलिक्यूलर मास हमने किसका कैलकुलेट करना है, H2SO4. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स. ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है इसको, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें जो इसका सॉल्यूशन है इसमें आप देखें एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का कितना है, 1, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ. ठीक, एटॉमिक मास जो है वो
सल्फर का, ये तमाम मैसेज जो हैं उसमें पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि इनको याद कर लें 32, ठीक है। इसके लिए एक एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट है, AMU यूज़ करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 16 AMU, ठीक। अब इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अभी हमने इनके एटॉमिक मैसेस लिखे हैं, ठीक है। इन एटॉमिक मैसेस को अब नंबर ऑफ एटम्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। बेटे ये जफर भट्टी के नाम से कौन एंटर हुआ हुआ है क्लास में, अपना बच्चे नाम राइट कर दें, मैसेज कर दें अभी, क्योंकि मैंने ना म्यूट किया हुआ है, खरे अनम्यूट करके पूछ लेते हैं कौन किसकी बात कर रहे हैं। जफर, जफर भट्टी मीरब है। अच्छा बच्ची है, हाँ जी मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक ठीक है। मीरब बेटे आपने भी अपना जो है वो नेम जो है वो चेंज करना है, ठीक है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप देखें इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस इसमें सेकेंड एटम कौन सा है, सल्फर का है, ठीक है। सल्फर का एक ही एटम है, ठीक है, इससे 1 से मल्टीप्लाई करने की इसको क्या ज़रूरत है, तो इसको लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ठीक है। फिर इसमें क्या ऐड करना है आपने, एटॉमिक मास ऑफ, अब ऑक्सीजन एटम्स इसमें कितने हैं, 4 एटम्स हैं, O4 लिखा हुआ है, तो 4 के साथ इसके एटॉमिक मास को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपके पास 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, इससे 2 को आप किससे, 1 इसका एटॉमिक मास है तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इसमें एटॉमिक मास सल्फर का कितना है, 32 है, ठीक है, और 4 एटम्स इसमें ऑक्सीजन के हैं, इससे इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 2 2 into 1 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास क्या है, 32, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64, ठीक है। इन तमाम मैसेस को जब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 98 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। और मॉलिक्यूलर मास किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेस, ठीक है। अब इसमें क्या ले रहे हैं हम, सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। ये 1 मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का, इसमें जितनी भी एटॉमिक मैसेज हैं उनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, यानी 1 मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो है ये किन का लिया जाता है, ये आयनिक कंपाउंड्स का लिया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है। सोडियम का मास जो है वो 23 होता है और क्लोरीन का जो है 35.5 होता है, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मूला मास, ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्मूलाज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है उसको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे 58.5, ठीक है। अब ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं आपकी बुक में दी हुई है, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एक तो आपने कंपैरिजन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन कंपैरिजन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का वो आपने लर्न करना है, उसको राइट भी करना है। इसके अलावा ये जो एग्जांपल नंबर 1 और 2 जो है इसको भी आपने क्या करना है,
राइट करना है, ठीक है? दोनों आज मैंने आपको जो है वो राइट करने के लिए दिए हैं और उसको लर्न भी करना है आपने, ठीक है बच्चों? और कोशिश करें कि ज़्यादातर जो इसमें से एटॉमिक मैसेज सॉरी मैथ नंबर्स दिए हुए हैं उनको जो है वो आप याद कर लें, ठीक है? और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है, ठीक है? अच्छा बेटे, कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट हो तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी जी बेटे, अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। मिस मैं पूछ लूँ क्वेश्चन? जी बेटे पूछ सकती हैं, आपसे कहा है मैंने। मिस कंपैरिजन जो था मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बीच में सेपरेशन वाला जो था वो मुझे समझ नहीं आया। किस समझ नहीं आई है? सेपरेशन ऑफ मिस वो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के कंपैरिजन जो आपने बताया था मुझे, उसमें से जो आपने बताए थे के डिग्री वो इसमें से सेपरेशन वाला जो सेकंड वाला पॉइंट बता देना मुझे, कौन सा है पॉइंट, कौन सा था है? जी पॉइंट बता दें बेटे, टाइम काफ़ी कम है, पॉइंट बता दें। पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है? इस 2 पॉइंट नंबर 2 सेपरेशन, यानी कैसे सेपरेट कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आयरन की छोटे छोटे से पार्टिकल्स हों, ठीक है, उसको सॉल्ट में आप ऐड कर दें, ठीक है? अगर आपने उसको सेपरेट करना हो तो सिंपल उसमें मैग्नेट जो है उसके अंदर डालेंगे तो आयरन के पीसेस जो हैं वो उसके साथ स्टिक कर जाएंगे, ठीक है, और सॉल्ट बाकी रह जाएगा। ये सिंपल फिजिकल मेथड है जिससे आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सॉल्ट और वाटर की एग्जांपल आपको दी थी जिसमें वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और बाकी जो है उसमें सॉल्ट रह जाएगा, ये भी फिजिकल मेथड है जिससे आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। वाटर है, ठीक है, अगर उसको फिल्टर करें तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस में तो नहीं ना कन्वर्ट हो जाता, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि कंपाउंड्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है? इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे एलिमेंट सेपरेट कर सकते हैं। ओके बेटे, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, ठीक है? अभी जो है आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास आई थिंक आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? तो अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास की जो है वो प्रिपरेशन करें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मिस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मिस।